राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 जो कि हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस क्या है? तो भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष मतलब हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश भर के छात्रों को स्वामी विवेकानंद के जीवन विचार दर्शन के बारे में और उनके जीवन में जो कर्तव्य थे, उनके जो मूल तत्व थे, उसे प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी हम जानेंगे। स्वामी विवेकानंद जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे 19वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। वह पश्चिमी दुनिया में वेदांत और योग के भारतीय दर्शन शिक्षण अभ्यास की शुरुआत में एक प्रमुख काम किया। विवेकानंद को भारत के समकालीन हिंदू सुधार आंदोलनों में एक प्रमुख शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणाओं में बहुत बड़ा योगदान दिया था। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्ध भाषण के लिए प्रसिद्धि पाई थी। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी शिक्षाओं और प्रथाओं का युवाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसीलिए भारत सरकार ने 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया। तो आज है राष्ट्रीय युवा दिवस।